हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने यहाँ पर चार एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी एक इंसान के लिए देखना चाहते हैं तो आप किसी एक एंजल नंबर को चुनिए। अगर आप एक से ज़्यादा पर्सन के लिए देखना चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा नंबर भी चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपने जिसके लिए चुना है, कौन सा नंबर किसके लिए चुना है, ये ध्यान होना चाहिए। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आप भूल जाएं, या फिर जब आप रीडिंग देखने लगे तो आपको लगे नहीं ये नंबर मैंने किसी के लिए चुना था, नहीं मैंने उनके लिए चुना। तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो लिख के रख सकते हैं। यहाँ पर चार पावरफुल एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 444 दिखाई दे रहा है आपको, 666 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो आपको जो दिख रहा अच्छा नंबर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, 777 दिखाई दे रहा है, 999 दिखाई दे रहा है, तो जो नंबर आपको अपनी ओर खींच रहा है उस नंबर को आपको आज की रीडिंग के लिए सिलेक्ट करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से भी अगर आप चुन सकते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे चार कार्ड्स होंगे, चार रीडिंग्स होंगी अलग अलग, आपको जो अपनी ओर आकर्षित करें वो आप चुन सकते हैं। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आप देखेंगे आपसे कनेक्ट ज़रूर होगा। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का कि एक तरीके की जर्नल रीडिंग है, तो अगर आपसे कनेक्ट हो जाती है तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, आप देख सकते हैं। देखिए, विश्वास की बात होती है, जब तक आपको किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं होगा वो चीज़ कभी भी आपके लिए सफल नहीं होगी। तो विश्वास में बहुत शक्ति होती है, विश्वास का ही सारा खेल होता है। तो जब आपको विश्वास हो जाए तब आप देखिए, अगर आपको लगे कि नहीं सही है तो आप फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आज हम जो देखने जा रहे हैं, किसी का भी नाम सोच के आपको एक नंबर चुन लेना है। यहाँ पे आपको चार एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, जो नंबर आपको पसंद आ रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके आप चुन सकते हैं। उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चलता रहता है, ये तो हम देखेंगे ही, साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। जो भी कुछ रीडिंग में आता है उसके हिसाब से हम यूनिवर्स से ये पूछेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, जो भी कुछ आपको रीडिंग में देखने को मिला है उसके बाद। ठीक है, तो ये होगा गाइडेंस आपके लिए। आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर आपने कमेंट नहीं करते हैं तो करें, इससे क्या होगा ना, कमेंट करने से क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो कनेक्ट होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक आप हमें अपने बारे में बताएंगे नहीं कि आप हैं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि वीडियो कौन देख रहा है। तो कमेंट कीजिए, अपनी एनर्जी देखे जाइए इस चैनल को, हमें पता चल सके कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, तो आपसे कनेक्ट हो। जो भी बातें मैं आपको बताऊं यहाँ पर, ये वैसे तो ये एक टाइमलेस वीडियो है, आप कभी भी इसको देखें, और जनरल रीडिंग है, इस बात का भी ध्यान रहे, बहुत सारे लोग देखते हैं एक साथ। तो ये है हमारा फर्स्ट एंजल नंबर का कार्ड, ये हमारा सेकंड एंजल नंबर का कार्ड, और ये हमारा थर्ड एंजल नंबर का कार्ड, और ये हमारा फोर एंजल नंबर का कार्ड। तो आपने जो भी कार्ड चुना था, जो भी नंबर चुना था, बस आपको उसी नंबर की रीडिंग को देखना है। हम गाइडेंस भी देखेंगे, आइए देखते हैं। जिसने भी 444 फर्स्ट नंबर के एंजल नंबर को चुना है, ये जानने के लिए कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता रहता है, तो आइए जानते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सनलाइट टीएल वंदना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, कमेंट किया कीजिए, इससे आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी इस चैनल से। आइए देखते हैं हमें क्या पता चलता है। यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो दुखी है। वो अपनी किस्मत में, मतलब क्या है ना कि आप ऐसे पर्सन उनकी नज़रों में हैं जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो खुश नहीं है, यानी कुछ तो ऐसा आपके साथ हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत दुखी होंगे, और ये बात आपके पर्सन को पता है। आपने जिसके लिए देखा है उनके मन में यही चलता है कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया लेकिन इतना बड़ा दुख आपको दे दिया कि आप सब कुछ होने के बावजूद भी आप दुखी रहते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, ये उनकी मन की फीलिंग है कि आपके पास सब कुछ है फिर भी आप दुखी हैं, आप एक ऐसे इंसान है जिसने सोच लिया है कि आपको दुखी ही रहना है। ठीक है, तो ये उनकी फीलिंग है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी दुखी हैं, जो नहीं है उसके लिए आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, जैसे कि आपको रहना नहीं चाहिए। उनके मन में ये है कि आप थोड़ा सा, अगर इसको हम नेगेटिव तरीके से देखें तो ये भी है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप एक लालची पर्सन है। ठीक है, जिसके पास मतलब सब कुछ है लेकिन वो और चाहता है, उसको संतोष नहीं है। तो नंबर फर्स्ट एंजल नंबर जिसने चुना था, पहले नंबर के कार्ड को आपने चुना था, यानी 444 आपने चुना था, तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आपको संतोष नहीं है, आपके अंदर एक लालच है, आप जो है जितना है उतने खुश नहीं रह रहे, और आपके पास है बहुत, आप देख बहुत कम रहे हैं, आपके पास जो नहीं है आप उसको ज़रा देख रहे हैं, जो है उसको आप छुपा रहे हैं।
तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको एक असंतोषी इंसान समझता है, जिसके पास संतोष नहीं है, जिसको लालच है सब कुछ होने के बावजूद, वो कहता है नहीं है नहीं है कुछ, और वो खुश है फिर भी दिखाता है अपने आप को खुश है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि आपने जिसके लिए चुना था 444, तो ये उनके मन में है आपके लिए कि आप दुखी नहीं है फिर भी आप दुखी बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उनको ये अच्छा नहीं लगता है, आपकी पर्सन को ये लगता है कि जब आप खुश हैं और जीवन में सब कुछ है आपके पास, फिर जो चीज़ मतलब परसेंट मतलब 1% की चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो वो उसके लिए आप निराश हैं। मतलब जो चीज़ के लिए इंसान सोचता है छोड़ो जाने दो, इतना कुछ तो मिला आपको, 100 में से 99 मिल गया है, लेकिन वो आप 1% के लिए परेशान है। तो ये सोचते हैं कि जीवन में सारी खुशियाँ हैं फिर भी आपको एक शौक चढ़ा है कि आप दुखी रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों से हम भी मिल चुके हैं जिनके पास सब कुछ है जीवन में, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उनकी किस्मत अच्छी नहीं है। तो ये नहीं करना चाहिए जीवन में, ठीक है? थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। आप उन लोगों को भी देखिए जो लोग के पास कुछ नहीं है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए तो यहाँ जो आपके लिए कार्ड आ रहा है ना, इससे एक चीज़ ये भी है कि अगर आप ऐसे हैं जैसा कि आपके पर्सन आपके बारे में समझ रहे हैं, अगर आप वैसे हैं तो ये जो कार्ड आ रहा है कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ तो ऐसा है जो आपको परेशान करता है और वो चीज़ आपको दुखी करती है, और ये चीज़ आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन यूनिवर्स इस चीज़ को समझ रहे हैं। अभी जब हम आपके कार्ड देखें और एनर्जी आपकी देखी तो ऐसा लग रहा है कि आप जो दिखाते हैं, आप दिखाते हैं कि आप इस चीज़ के लिए परेशान हैं, उस चीज़ के लिए परेशान, असल में जो आपकी परेशानी है वो आप शेयर नहीं कर आते हैं। तो यहाँ पे यही कार्ड्स आ रहे हैं कि आप अपनी परेशानी को ईश्वर के सामने, जिस भी देवी जिस भी शक्ति में आपको विश्वास है, आप उनके सामने जाइए, मन को हल्का कीजिए, जो भी कुछ आपके मन में है उसको बाहर कीजिए। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि आप, हो सकता है कि उनसे बातें आप करते नहीं हैं क्लियर, इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान की मतलब बस इनको आदत बनी है, ठीक है? अब जब तक इंसान नहीं समझ रहा है, आप उनसे कोई बात नहीं शेयर कर रहे हैं तो उनको कैसे पता चलेगा? उन तो अंतर्यामी तो है नहीं कि आपके दिल की बात समझ जाएंगे। अब जब तक कुछ नहीं बताएंगे तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से उन्होंने ऐसा सोच आपके लिए रखा है कि ये इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब क्या है कि मतलब परेशानी रहना रहना ही रहना है, और थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं तो उसको इतना ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं इस जीवन में, दुनिया में, जो लोग सच में बहुत दुखी हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। इस वजह से उन्होंने ऐसी राय अपने मन में आपके लिए बना के रखी है कि दुखी रहते हैं ये। हाँ, तो आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, जो भी बातें हमने सुनी हैं आपके बारे में कार्ड्स के ज़रिए, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जो आप परेशान रहते हैं ना, जो बातें आप मन में रखे हुए हैं, आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई चिंता है भविष्य को लेके, या फिर जो भी कुछ है, आप रास्ते से भटक गए हैं, आपको समझ भी नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, आप बस अपना मन, अपनी जिस भी शक्ति में आपको भरोसा है, विश्वास है, आप उस शक्ति से प्रार्थना कीजिए, आपको रास्ता ज़रूर दिख जाएगा। जो भी परेशानी है आपको बहुत जल्दी उसका समाधान मिल जाएगा। आपके लिए ये एक तरीके से रेमेडी है, आप इसको ट्राई कीजिए, अपनी बातों को कहिए, ठीक है, शेयर कीजिए। अगर आप ये जो पर्सन है जिसकी आप फीलिंग को देख रहे हैं, अगर आप इनसे अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे तो आपको वहाँ से आपका समाधान मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि उनको एक आधा सच पता है आपके जीवन का, या फिर आप अपने दुख को शेयर ही नहीं करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने ऐसी राय अपने लिए आपके लिए बना रखी है। ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। एक इंसान आपको देखता है कि आप सब कुछ है, मतलब परफेक्ट हैं, फिर आप क्यों दुखी रहते हैं? ये भी सोचते रहते हैं कि आखिर क्यों दुखी रहते हैं आप, क्या है प्रॉब्लम आपकी, क्यों हैं उदास आप? जब तक आप इनको नहीं बताएंगे तब तक ये कैसे समझ पाएंगे, ठीक है? तो जिसने फर्स्ट नंबर का एंजल नंबर चुना था ये आपके लिए है, और आपके लिए रेमेडी यही है कि आप जिस भी शक्ति पे आपको भरोसा है, विश्वास है, उस शक्ति के करीब जाइए, और जो भी कुछ पूछना है उनसे पूछिए, जो भी सवाल करना है कीजिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ हमने जो देखा, अगर आपको लगे कि आपके लिए था तो आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? आइए देखते हैं जिसने भी सेकंड नंबर के एंजल नंबर, पावरफुल एंजल नंबर को चुना है, आइए जानते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता रहता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सनलाइट TL वंदना, ये मेरे चैनल का नाम है जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए अगर आपको चाहिए कि आप जो भी चीज़ सुन रहे हैं वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर हो। तो अपनी एनर्जी को कनेक्ट रखिए चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट नहीं करते हैं कभी तो कीजिए कमेंट, ठीक है? हमें पता चल सके कि आप कहाँ से हैं, कौन है, क्या है एनर्जी आपकी, आइए जानते हैं। आपके जो पर्सन हैं आपको
एक बहुत ही डिसिप्लिन वाला इंसान जो एक फीमेल एनर्जी में रहता है, बहुत भावों के इंसान है। हो सकता है कि आप फीमेल ही हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा एक तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कहे पे चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही एक ऐसे इंसान है जो एक्शन लेना जानते हैं और डिसीजन लेना जानते हैं, और बहुत ही एक परंपरा से चलने वाली सोच है आपकी, और एक ट्रेडिशनल मतलब सोच आपकी बहुत ज़्यादा जैसे हमारी सभ्यता है उस हिसाब से है। ये इंसान आपको बहुत ज्ञानी समझते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाला, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है जीवन में, सही रास्ते पे चलने वाला, सही गाइड करने वाला, सही शब्दों का उपयोग करने वाला, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही मतलब पॉजिटिव एनर्जी हम कहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव एक पावरफुल एनर्जी है। लेकिन गुस्से वाला इंसान भी ये समझते हैं कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बातों को समझते नहीं हैं, अपनी बातों को आप ज़्यादा रखते हैं, सामने वाली बातों को ज़्यादा, सामने वाले इंसान को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। आपको सुनना चाहिए, बस अपनी ही चीज़ों को सही रखेंगे तो शायद एक तरीके का एक बैलेंस जो होता है रिश्ते में वो नहीं रहेगा। तो ये इंसान ये सोचते हैं कि आपको लगता है कि आप ही हर वक्त सही हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी है, थोड़ा सा नेगेटिव कहेंगे, बहुत नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं समझता है कि आप हमेशा अपनी ही बातों को लेके चलते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रिश्ते जो हैं थोड़े से बैलेंस कम हो जाता है, ठीक है। और आप हमेशा किसी ना किसी, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी वाइफ का ज़्यादा सुनते हैं या फिर अपनी माँ का बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो हमेशा कहीं ना कहीं अगर आप मेल हैं तो कहीं ना कहीं आप एक फीमेल एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उनके हिसाब से डिसीजन को लेके चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ है आपकी पसंद, ये चीज़ थोड़ा सा उनको पसंद नहीं आती है आपके अंदर, ये चीज़ होगी, ठीक है। आप बहुत केयरिंग नेचर के इंसान होंगे तो कहीं ना कहीं कभी कभी होता है ना कि अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, अगर हस्बैंड है तो अपनी माँ को ज़्यादा पसंद, मतलब पसंद तो हर इंसान अपनी माँ को करता है, लेकिन उनकी कहे पे ज़्यादा चल रहे हैं तो वाइफ को थोड़ी सी नाराज़गी हो जाती है, और अगर वाइफ की बातों पे चल रहे हैं तो फिर माँ को नाराज़गी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप इन दोनों चीज़ों में एक तरीके से फंस चुके हैं, आपके ऊपर फीमेल एनर्जी ज़्यादा हावी है, ये चीज़ वो समझते हैं जो भी आप, जिसके लिए भी आप इसको देख रहे हैं। और अगर आप फीमेल हैं और आप इस वीडियो को सुन रही हैं तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हैं, वो सोचते हैं आपके पर्सन कि आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके चलती हैं, अपनी ही बातों को मनवाना चाहती हैं, आपके अंदर थोड़ा सा घमंड भी है अपनी एक तरीके से अपनी पावर को दिखाने का, अपनी रुतबे को दिखाने का। तो बहुत पॉजिटिव नहीं कहेंगे, बहुत नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन जो इनकी सोच आपके लिए है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। उनको ऐसा लगता है कि मतलब आप लाइफ में जो भी कुछ करते हैं अपने फ़ायदे नुकसान को देख के अपने लिए ही करते हैं, सामने वालों को आप महत्व नहीं देते हैं। तो जिसके लिए भी आपने चुना था आप समझ सकते हैं। अगर आपसे कनेक्ट हो जाए तभी आप फॉलो कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे कनेक्ट नहीं है तो आप फॉलो करें। आइए देखते हैं जो भी बातें हमने अभी आपके बारे में जानी है कार्ड्स के ज़रिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, ठीक है। जो भी बातें अगर आपको लगता है कि अगर वो इंसान ये सोच रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या है सलाह, इंतज़ार, ठीक है। तो यहाँ इंतज़ार करना चाहिए, आप अगर कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, बहुत जल्द से जल्द उस इंसान के बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं, या रिश्ता तोड़ने का सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिसकी वजह से वो इंसान बहुत ज़्यादा या फिर आपसे कनेक्ट हो जाएगा या फिर दूर हो जाएगा, जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ है, या फिर ये रीडिंग सुनने के बाद आपको थोड़ा गुस्सा आए उनके ऊपर, तो जो भी कुछ है इंतज़ार कीजिएगा यूनिवर्स की तरफ से। उस इंसान के मन में कुछ पल के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी जो होती है ना क्रिएट हो जाती है, फिर इंसान को थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो समझेंगे नहीं मैं गलत था या गलत थी। तो जब भी कुछ ऐसा हो, आपको लगे कि अभी कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही लेना है, उस इंसान ने कुछ ऐसा आपसे कह दिया, मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, झगड़ा हो रहा है आपका बीच में, और सामने से किसी इंसान ने कुछ कह दिया आपको बुरा सा, और आप बहुत गुस्से में हैं और आप कुछ कहने जा रहे हैं, उसको नहीं कहना है आपको, ठीक है, आपको रुक जाना है वहीं पर। उस इंसान को वक्त दीजिएगा जिसने भी आपको कुछ बुरा कहा है, जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो अपनी बातों को सोचेगा, समझेगा, समझेगा, सोचेगी, आप समझ लीजिएगा, जो भी देख रहा है उसके हिसाब से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, या मेल या फीमेल, तो उसको अपने आप एहसास हो जाएगा कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो गलत है, ठीक है। तो इतना वेट, इतना इंतज़ार आपको ज़रूर करना चाहिए हर उस रिश्ते में जिस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं है कि उसने कुछ कह दिया आपको बुरा लगा तो आप चार बातें उसको सुना दीजिए, फिर तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। आपको कुछ बुरा लगा, सामने वाले ने आपको कुछ कहा है, आप शांत हो जाइए, एक दिन का दो दिन का टाइम लीजिए। सामने वाले को अगर महत्व देता होगा, आपको रिस्पेक्ट देता होगा, वो जानता होगा कि आपको
बुरा लगा है या फिर उसको लगेगा कि नहीं मतलब वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने गलत कह दिया, तो वो खुद आएगा आपसे सॉरी कहेगा या फिर बात करेगा, ठीक है, नॉर्मली बात करेगा अगर आप इंपॉर्टेंट होंगे तो। फिर भी अगर वो इंसान आपके दूसरे दो दिन बाद भी आके नॉर्मली बात नहीं करता तो समझ लीजिएगा जो इंसान आपको महत्व दे ही नहीं रहा है, वो चाहता ही आपसे झगड़ा करना, तो फिर आपकी आपका मन है, आपका डिसीजन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके मन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है जिसकी वजह से वैसा सोच रहे हैं या सोच रही हैं, उनको वक्त दीजिए, रिश्ते को जितना वक्त देंगे उतना अच्छा रिश्ता होता है, ठीक है। आइए देखते हैं जिसने भी तीसरे नंबर का एंजल नंबर चुना है, जानने के लिए कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चलता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, अपना प्यार दीजिए चैनल को, सनलाइट टीएल वंदना। आइए देखते हैं, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, एनर्जी कनेक्ट होगी आपकी। आइए जानते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या चलता है जिसके लिए भी आपने सोचा। ओ बहुत ही अच्छा कार्ड्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए। अब क्या बताएं, हम सब कुछ पॉजिटिव है, बस आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ये इंसान आपको अपना लाइफ पार्टनर अगर नहीं है तो आपको अपना लाइफ पार्टनर सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं जिससे दोस्ती की जा सकती है, जिसके साथ रिश्ता रखा जा सकता है, रिलेशनशिप रखा जा सकता है, बहुत केयरिंग इंसान है। लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको ये भी लगता है कि आप बहुत लेज़ी हैं, बहुत आलसी हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो आप बहुत देर से सो के उठते होंगे, सोने की ज़्यादा आदत होगी आपको, ज़रा टाइम आप बैठे बैठे मोबाइल लेके बैठे रहते होंगे। आजकल की जो आदतें हैं लोगों की, ये सब चीज़ें वो जानते हैं कि आप में अंदर बहुत सारे आलस है, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन इंसान आप बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ भी नेगेटिव आपके बारे में नहीं सोचते हैं। आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो लाइफ को एंजॉय कर रहा है, जो जीवन में सबको खुशी देता है, सबके लिए वो खुश रहता है, किसी से जलता नहीं है, किसी से चिढ़ता नहीं है, किसी को गलत रास्ते पे मिसगाइड नहीं करता है। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास बहुत सारा लक है, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, ईश्वर ने आपको बहुत ही खूबसूरत बनाया है, दिल का खूबसूरत, या फिर आप देखने में बहुत खूबसूरत, हर इंसान खूबसूरत होता है लेकिन दिल की खूबसूरती सबसे बड़ा मायने रखती है। तो आप दिल के बहुत खूबसूरत इंसान हैं और जो भी बातें आपके दिल में हैं वही आपके जुबा पे हैं। सॉरी फ्रेंड, हम यहाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए, तो हम चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस, जो भी बातें आपने सुनी हैं अपने बारे में कार्ड्स के ज़रिए, आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या था। तो आइए देखते हैं अब आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, जो भी बातें आपने जानी उस बारे में। देखिए, जो भी कुछ है, अगर इस रिश्ते में कुछ दिक्कतें आई हैं और आपको लगता है कि कुछ फासले हैं, ठीक है, परेशानियां हैं, तो उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, समय के साथ चीज़ें ठीक होती हैं। कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई भी हैं जो या तो आपकी गलती से या फिर समय के हिसाब से कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं जाती हैं, लेकिन जो भी कुछ आप चाहते हैं अपने रिश्ते में, उस रिश्ते को बहुत अच्छा एक भविष्य है, क्योंकि आपका पर्सन जो है ना वो बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। नो का आंसर है अभी चेंज, अभी बदलाव, अभी सब कुछ मिल जाए, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो नो के लिए आंसर है आपको इंतज़ार करना होगा कुछ वक्त का। वो कुछ वक्त ज़्यादा वक्त का समय नहीं, मतलब साल दो साल नहीं, महीनों का है, हफ्तों का है, तो इतना सा इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपका ये जो रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपने इमेजिन किया है, ठीक है। तो जो भी कुछ है थोड़ा सा वक्त दीजिए और वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आइए हम देखते हैं जिसने भी नंबर चार का बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर चुना है, 999, ठीक है। तो आइए देखते हैं 999 के जो पर्सन हैं, जिसने आपने जिसके लिए चुना है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता रहता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सनलाइट टीएल वंदना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आइए देखते हैं हमें क्या पता चलता है 999 के बारे में, आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं। आपके पर्सन जो हैं आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, आपको एक बहुत ही जानकार, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही समझदार, बहुत ही मतलब अच्छा इंसान समझते हैं, ठीक है। तो चैरियट का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड एनर्जी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप चीज़ों को छुपाते भी हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप समय कम देते हैं, थोड़ा सा आप ऐसा होगा कि मतलब आप एक ही चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने करियर पर फोकस हैं, तो बस आपको करियर के बारे में ही सब कुछ सोचना है, उसी के हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको समय कम देते हैं,
आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं ये सोचते हैं, लेकिन साथ में एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये भी समझते हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने अपने लिए और रिश्तों के लिए कर रहे हैं, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं ज़्यादा, या मिल नहीं पा रहे हैं, या जो भी कुछ है जिस रिश्ते को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो पूरा फोकस है अपने करियर पर है। करियर अगर सफल रहेगा तो इंसान जो चाहेगा वो कर पाता है जीवन में। तो ये इंसान ये भी है कि हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत वक्त तो आप जिनको चाहते हैं, जिनकी केयर करते हैं, उनको देना चाहिए, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि आप बिज़ी बहुत रहते हैं, बहुत काम है आपके पास, करियर पे फोकस है, आप कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, तो बस लगे हुए हैं उस चीज़ को लेके, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन थोड़ा बहुत उनको ये भी है कि थोड़ा सा वक्त मिले अगर रिश्ते में, तो रिश्ता थोड़ा और मज़बूत हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, जो भी एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आइए अब आपके लिए देखते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। देखिए, समय की बात यहाँ हो रही है, एक कार्ड और लेंगे। कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे दो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। देखिए, रिश्ते में क्या है वो आप समझ चुके हैं, आपके पर्सन क्या सोचते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे इनका एक लव रिलेशनशिप हो, एक दोस्ती का भी समय मतलब रिश्ता होगा, और एक ऐसा समय आपने बिताया होगा जो बहुत इंजॉय किया होगा आपने इस समय को, लेकिन फिर से वो चीज़ें रिपीट नहीं हो रही हैं और आप चाहते हैं कि फिर से चीज़ें वैसी ही हो जाएँ जैसे पहले थीं, तो उसके लिए अब वक्त लगेगा, क्योंकि आप किसी और चीज़ में फोकस हैं। जैसे कि दिख रहा है करियर में, ठीक है, करियर ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, करियर में ही आप फोकस हैं काफ़ी ज़्यादा, और समय आपके लिए अभी सही नहीं है। कुछ ऐसा डिसीजन आप लेना चाह रहे हो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अभी सही समय नहीं है उसके लिए। कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। जब भी आप कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, जब भी आप कुछ चाहते हैं जीवन में, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये चीज़ आपको चाहिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप पहले क्लियर कर लीजिए कि सच में क्या वो चीज़ आपको चाहिए। एक बार आपने जैसे समझ लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बहुत छोटी सी बात कहूँगी कि एक बंदूक को ले लीजिए, जब भी उस बंदूक में गोली भरी जाती है तो आप सोचते विचारते हैं ना कि इसको मुझे फायर करना है, या फिर एक बार बंदूक से गोली निकली तो निकली। तो वैसा ही आपका ही सोच होनी चाहिए कि अगर आपने एक चीज़ चाह ली है तो चाह ली, अब यही चाहिए। एक बंदूक की गोली जैसे बन जाइए कि मतलब बस सब सोच लिया है, तो जैसे बंदूक की गोली एक बार निकली तो दोबारा वापस नहीं आएगी ना। तो अगर आपने कुछ चाह लिया है तो बस चाहिए मुझे, अब मुझे दोबारा उस बारे में नहीं सोचना है। जब आप ऐसा मन में अपने आप को क्लियर रखेंगे ना, तभी आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे और यूनिवर्स तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। एक एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का नियम होता है आकर्षण का नियम। आकर्षण के नियम को आपको अपने जीवन में लेके आना ही होगा, क्योंकि अगर जो आप चाह रहे हैं वो बहुत ही बड़ा एक तरीके का आपने एक अपने सपने को बना के रखा है, वो सपने को पाना इतना, देखिए हर सपना पाना आसान होता है लेकिन मेहनत होनी चाहिए उसके पीछे। तो मेहनत आपकी है भी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। अब ये चीज़ें आपकी रिलेशनशिप को लेके हो सकती हैं, या फिर किसी इंसान के ऊपर आपको बहुत डाउट हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि ये इंसान सच में सही है या नहीं है। अगर ऐसी कुछ फीलिंग्स आपको हैं तो एक बार डिसाइड कीजिए, आपने अब तक जितना समय बिताया उस इंसान के साथ, एक निष्कर्ष तक तो आपको पहुंच जाना चाहिए कि वो इंसान सच में सही है या नहीं है। नहीं समझ पा रहे हैं तो आज आपके पास वक्त है, आपने आज इस वीडियो को देखा है, समझ रहे हैं आप, तो आप कॉपी पेन निकालिए, जितना भी समय आपने उस इंसान के साथ बिताया है सबको एक बार नोट करके देखिए कि वो इंसान कब कब गलत था, क्या गलत था, क्या सही था, फिर एक निष्कर्ष पर आप निकल आएंगे कि सच में उस इंसान को अपने लाइफ में रखना या नहीं रखना है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपका करियर भी है। आप अपने जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं उसको आप एक कॉपी पेन पर लिखिए, देखिए उसमें क्या गलती आपकी रही है, क्या गलती उस करियर में जो भी कुछ हुआ, सफलता क्यों नहीं मिल रही है, क्या कमी आपकी तरफ से, तो आप एक निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे, फिर आप क्लियर हो जाएंगे। क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, एक बंदूक की गोली के समान आप क्लियर हो जाइए। जो एक बार सोच लिया तो सोच लिया, दोबारा पलट के नहीं देखना है, या तो मूव ऑन कीजिए या तो फिर अपना काम कीजिए जिस काम को आपने चुना है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, तभी आपका काम सफल होगा। अभी समय सही नहीं है, तो अभी सबसे पहले डिसाइड कर लेना चाहिए आपको कि सच में ये चीज़ आपको चाहिए नहीं चाहिए। कभी आप कह रहे हैं सुबह, कह रहे हैं नहीं मुझे ये इंसान बहुत पसंद है, इस इंसान ने मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, ये सच में मुझे बहुत प्यार करता है, शाम को उसने गुड नाइट का मैसेज नहीं किया, फिर आप कहने लगे कि इसने मुझे गुड नाइट का मैसेज नहीं किया, या फिर मैंने किया उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने देखा तक का नहीं, नहीं ये इंसान में कुछ, तो बस ऐसे अगर आप रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा।
इसलिए कहते हैं चीज़ों को क्लियर करके रखिए, रखेंगे तो जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे, नहीं तो फिर समय लगेगा, लेकिन लक्ष्य तक तो इंसान पहुँच ही जाता है सीखते समझते भी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगती है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कार्ड्स कुछ ऐसे एनर्जी हमें बता रहे होते हैं जो कि मुझे भी सोचते हैं कि अरे इंसान क्यों नहीं समझ रहा है, आप सब कुछ समझते हुए भी चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, तो फिर कुछ ऐसी बातें उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों को ना अच्छी लगती हों, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं हमेशा वही चीज़ें बताती हूँ जो मुझे कार्ड्स में पता चल रहा होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।